क्वेश्चन नंबर है आपके 23। इसने कहा है एक्स और वाई दो संयुक्त उत्पाद के वे संयुक्त वे है, इसमें भी ज्वाइंट कॉस्ट है आपके, कितना दे रखा है 8000, 3000, 1000, टोटल कितने दे रखे हैं आपके 12000 के ज्वाइंट खर्चे हैं। अब ये ज्वाइंट खर्चे हैं, इसके अलावा भी अदर खर्चे भी हो सकते हैं। अगर आपने ज्ञात किया कि खर्चे एक्स्ट्रा भी हुए, उसमें कुछ सेलिंग खर्चे भी जुड़े हुए हो सकते हैं, उसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे सेलिंग खर्चे है कि नहीं है, तो कैसे अगले सवाल पर डिपेंड करता है। ये तो थे आपके ज्वाइंट खर्चे और नीचे दिए हुए सब दोनों के अलग अलग खर्चे। ज्वाइंट खर्चे साथ में आएंगे यहाँ पर और इसके सब कॉट एक्सपेंस भी आएंगे, जिसमें से उनका कुछ हिस्सा हम यहाँ भेज देंगे। अब इसमें दे रखा है आपके एक्स उत्पाद की बिक्री 20,000 है और प्रॉफिट दे रखा है 20%, वाई उत्पाद की कितनी दे रखी 10,000 और हानि कितनी है आपके 2,000, संयुक्त लागत का अनुपादन भी दिखाइए, अभिभाजन भी दिखाइए और एक्स और वाई का उत्पादन खाता तैयार कीजिए। अब आपको देखो ज्वाइंट खर्चे भी दे रखे हैं और ये अलग खर्चे भी दे, पहले एक दो खर्चे, पहले सबसे पहला कौन सा खर्चा है आपके मटेरियल का, तो मटेरियल खर्चा कितने, दो खर्चे मटेरियल में, एक तो है ज्वाइंट और एक है आपके सब्सक्वेंट, मतलब खुद के अलग के स्वयं के खर्चे, ये तो है 8,000 तो ज्वाइंट खर्चा है और 2,000 यहाँ का, टोटल कितने हो गए आपके 10,000। फिर है आपके टू लेबर का, लेबर का पहले तो है आपके ज्वाइंट खर्चा, वो तो दे रखा है आपके 3,000 और फिर है आपके इसमें सब पॉइंट ऐड करेंगे कितना होता है आपके 1500, ये हो गए आपके 4,500। फिर है आपके तीसरा खर्चा है ओवरहेड का, ज्वाइंट भी दे रखा है कितना है ज्वाइंट 1,000 और सब्सक्वेंट कितने दे रखे हैं आपके 500 रुपए, ये हो गए आपके 1500। अब वाइड के केवल सब्सक्वेंट ही है, मतलब मटेरियल भी है, लेबर भी है और ओवरहेड भी है, कितना हो गया आपके 3,000 और 2,000। अब हम वो खर्चे के लिए जो क्या दे रखा है, दोनों की बिक्री दे रखी, दोनों प्रॉफिट दे रखा है, तो दोनों से है तो याद कर सकते हैं, तो दोनों की बिक्री दे रखी है, तो पहले यानी तो बाय सेल यहाँ हो गया है आपके 20,000 और साथ में आपके प्रॉफिट भी दे रखा है, तो तू आ जाएगा आपके प्रॉफिट कितना दे रहा, प्रॉफिट आपके प्रॉफिट दे रखा है 20%, कितना होता है 4,000। फिर है इधर भी इसकी भी सेल्स दे रखी है, बाई सेल्स कितनी सेल्स दे रखी है आपके 10,000, इसमें क्या है आपके लॉस है, तो बाई क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लॉस, लॉस इधर आएगा, प्रॉफिट इधर तो लॉस इधर, कितना दे रखा है आपके 2,000 रुपए का लॉस दे रखा है। फिर आपको संयुक्त लागत अभी बात बताना है, सबसे पहले यहाँ क्या आएगी आपके सेल्स, बताओ कितनी दे रखी है 20,000 और ये हो गए आपके 10,000, इसमें से लेस करेंगे हम प्रॉफिट ताकि आपके लागत ज्ञात हो जाए, खर्चा ज्ञात हो जाए। अब लो प्रॉफिट है कितना, यहाँ तो है 4,000 और यहाँ है आपके लॉस है 2,000 का, देखो ये लेस करना है तो ये तो हो गया आपके माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस, मतलब ये आपको घटाना है और ये भी आपको घटाना है, तो 20 में 4 के कितना आ गए 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हो जाएंगे आपके 12,000, ये तो आगे 16,000 और ये हो गए आपके 12,000। इसमें से देखो आपको ज्वाइंट खर्चे घटाने, ज्वाइंट खर्चे कितनी दे रहे हो, ये तो है इसका 20, उसका हो गया 10, अब है आपके ज्वाइंट खर्चे कितने दे रखे हैं आपके 12,000 दे रखे हैं, लेस करेंगे एक तो ज्वाइंट एक्सपेंसेस कितने, इसके दोनों साथ में जोड़ लो भाई 10 और 4, ये तो हो गए 16, 12 कितने होते हैं टोटल 28 होते हैं, 28 में देखो यहाँ तो हो गए आपके 12,000 और अदर खर्चे भी कितने हैं आपके 12,000 के, मतलब के ज्वाइंट खर्चे हैं, पहले ये दो लिखे हुए साथ में यहाँ पर 4,000 इसके और 8,000 इसके, वो तो अलग के खर्चे हैं, ये 4,000 और 8,000 माइनस कर दिए कितना होता है बताओ, ये होता है 12,000 और ये होता है आपके 4,000, बताओ कितना हो गया आपके 16,000।
अब 16,000 ज्वाइन खर्चे होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ज्वाइन खर्चे कितने दे रखे? 12,000 दे रखे। जबकि इसके अंदर मस्त का मतलब क्या हुआ, इसने कहा खर्चे 16,000 के, लेकिन इसके अंदर तो ज्वाइन खर्चे कितने दे रखे? 12,000 की दे रखे। तो उसका मतलब बाकी के पैसे कहाँ गए? 4,000 एक्स्ट्रा है इसमें, एक्स्ट्रा आ गए 4,000। अरे ज्वाइंट खर्चे सवाल के अंदर दे रखे हैं आपके 12,000, ये तो हो गए आपके सोर्स पॉइंट एक्सपेंसिव, जो हमने यहां से लिखे 4,000 ये रहा, तो और यहां कितना लिखा हमने 8,000, ये 4 लिखा ये 8,000 लिख दिया, घटाया। अब बताओ घटाने के बाद क्या आएगा? ज्वाइंट खर्चे आने चाहिए थे क्योंकि हमने ये वाले खर्चे घटा दिए, तो इसका मतलब है आपके पास ये जोड़ आनी चाहिए थी, कितनी आनी चाहिए थी? 12,000 आनी चाहिए थी, जबकि जोड़ कितनी आ गई आपके? जोड़ आ गई आपके 16,000, 4,000 एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। इस एक्स्ट्रा खर्चा क्या कहेंगे? दोनों में बांटेंगे। ये कौन सा खर्चा कहलाएगा? आपके सेलिंग एक्सपेंसिव। अगर कोई खर्चा ज्वाइंट खर्चे से भी ज्यादा आ जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, तो क्या कहलाता है? आपके सेलिंग खर्चा। हमने प्रॉफिट घटा दिया, इसके खर्चे घटा दिए, फिर ज्वाइंट खर्चे आने चाहिए थे 12,000 फिक्स मिल जाते, लेकिन 12 मिला नहीं, यहाँ क्या आ गया आपके 16 आ गए, 4,000 एक्स्ट्रा आ गए, वो 4,000 कहलाएगा आपके सेलिंग एक्सपेंसिव, जो दोनों में बाद में सेलिंग खर्चे सेल्स रेशियो बढ़ेंगे। सेल्स रेशियो क्या दे रखा है? 2:1, तो 3 का भाग कितना आएगा आपके? 1,333 2,660 दोनों भाग, इसकी ज्यादा सेल्स देख लिया यहाँ आएगा 1:2, ये एक्स और वाई का सर सुबह मैं आपको बाद में, तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके? याद आएगा 2 सेलिंग एक्सपेंसिव कितने हो जाएंगे? 2,667 और यह आएगा 2 सेलिंग एक्सपेंसिव 1,333। अब खाते मिलो, जोड़ करो खाते की कितनी होती, बताओ ये जोड़ करो कितनी होती, अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था सब बांटे लो, कितना होता है? ये भी कर दो 22,667 घटाओ पीछे कितना बचा? 2,667 ये कहाँ भेज देंगे हम? यहाँ पर किस प्रोसेस में भेज देंगे? अंत का प्रोसेस कहाँ भेज देंगे हम? वाई में भेज देंगे, ये वाई में है तो ये क्या आएगा आपके 2 में, क्या लिखेंगे? प्रोसेस एक्स 2,667 दोनों बराबर मिलने चाहिए आप ऑटोमेटिक। ये 12 है तो ये भी कितना होना चाहिए आपके? 12,000 ही होगा उत्तर।